सी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके इंट्रो के बारे में बताऊंगा, इस इंट्रो इसका किस तरह से प्ले किया गया है, और इसके फिर बाद में आपको कॉर्ड बताऊंगा, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा इसके नोट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम प्ले करते हैं, मैं थोड़ा सा ओरिजिनल के हिसाब से थोड़ा सा मैं स्लो प्ले करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये इंट्रो का पहला पार्ट है। थोड़ा सा स्लो प्ले करता हूँ मैं, ठीक है। तो इतना हमने किस तरह से प्ले किया मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो नीचे की लास्ट थ्री जो स्ट्रिंग्स है जी बी एंड ई, इसको हमने सेवन्थ फ्रेट में, इन तीनों स्ट्रिंग्स को सेवन्थ फ्रेट में कुछ इस तरह से यूं प्रेस करना है एक ही फिंगर से, देखो ये, ठीक है। ये आपका है बी माइनर कॉर्ड में, ठीक है। तो हमने जो ये दो उंगलियों से ऐसे करके इसको टेंथ फ्रेट में ऑन ई स्ट्रिंग, टेंथ फ्रेट में ई स्ट्रिंग को हमने प्ले करना है, देखो किस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद पुल ऑफ टेंथ फ्रेट टू नाइन्थ फ्रेट पुल ऑफ, ठीक है, टेन से नाइन, नाइन से सेवन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, टेंथ से नाइन्थ, नाइन्थ से सेवन्थ, इस तरह से हमने इसको पुल करना है, पुल अप करना है, ठीक है। फिर जो सेवन्थ फ्रेट है, सेवन्थ फ्रेट से जो हमने पहले जो फिंगर रखा था इसको सिक्स्थ फ्रेट में स्लाइड करना है, स्लाइड अप, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा आएगा, स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ मैं, स्लो में, ठीक है, ठीक, एक बार फिर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेवेंथ फ्रेट में प्ले करना है ई स्ट्रिंग पे, सेवेंथ फ्रेट में हमने प्ले करना है दोबारा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर देखना स्लो में, ठीक है। तो इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका ऐसे, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। फिर उसके बाद फिर से जैसे स्टार्टिंग में गया था, ये तीनों स्ट्रिंग्स को एक साथ प्ले करना है, ठीक है, जी बी और ई स्ट्रिंग को सेवन्थ फ्रेट में से प्ले करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ कंटिन्यू करना है, ये सेकंड पार्ट है इसका, इसके साथ कंटिन्यू करना है हमने नाइन्थ फ्रेट में और ई स्ट्रिंग में, ठीक है, नाइन्थ फ्रेट ई स्ट्रिंग। फिर उसके बाद सेम स्ट्रिंग टेंथ फ्रेट, फिर ट्वेल्थ, फिर उसके बाद फोर्टीन और बी स्ट्रिंग में फिफ्टीन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। या तो आप इसको स्लाइड भी कर सकते हो, सॉरी ठीक है, ऐसे, सॉरी, ठीक है। यहां से हमने तीनों को एक साथ प्ले किया, उसके बाद नाइन्थ फ्रेट, फिर टेंथ और ट्वेल्थ को स्लाइड डाउन, फिर उसके बाद 14 और बी स्ट्रिंग में 15 फ्रेट, तीन बार प्ले करना है इसको, ठीक है, ऐसे,
करना चाहते हो तो आप स्लाइड नहीं भी करोगे तब भी ये अच्छा ही रहेगा। अगर आप स्लाइड करोगे तो स्लाइड भी कर सकते हो इसको। ये ऑप्शन है वाले, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट जो है इस तरह से है। इसमें हम यूज़ करेंगे जी स्ट्रिंग, मतलब थर्ड स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट, नाइन्थ फ्रेट से स्लाइड करके इलेवेंथ फ्रेट में आना है, ठीक है। थर्ड स्ट्रिंग नाइन्थ फ्रेट टू इलेवन स्लाइड डाउन, ई स्ट्रिंग में ये टेंथ फ्रेट है हमारा ई स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। नाइन्थ से लेकर इलेवन तक स्लाइड डाउन, फिर उसके बाद टेंथ फ्रेट में ई स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरह से आएगा ये। फिर इसके बाद 11 से 9 में फिर से स्लाइड अप करके इस तरह से प्ले करना है। ये हमारा ये थर्ड स्ट्रिंग है, थर्ड स्ट्रिंग में 11 फ्रेट से लेके 9 फ्रेट तक स्लाइड अप करके जाना है। फिर उसके बाद सेम ये 9 फ्रेट ई स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरह से। पहले तो हम 9 से 11 में जाएंगे ऐसे, फिर 11 से 9 पे फिर वापस, और 9 से 7 में वापस, और ई स्ट्रिंग में भी 7 फ्रेट ही प्ले करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह से देखना फिर से, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं 9 फ्रेट से 11 फ्रेट तक स्लाइड करते हैं, स्लाइड डाउन, फिर ई स्ट्रिंग पे 10th फ्रेट प्ले करेंगे, फिर वापस 11 से 9 पे स्लाइड अप करके, फिर 9 फ्रेट ऑन ई स्ट्रिंग, फिर 9 से 7 में स्लाइड करके, फिर 7 फ्रेट ऑन ई स्ट्रिंग ऑल्सो। तो ये कुछ इस तरह से करे साउंड करेगा, ठीक है। एक बार स्लो में देखना, ठीक। फिर इसके बाद हमारा कॉर्ड सर्कल कुछ इस प्रकार से, इसका कॉर्ड, इसका कॉर्ड भी एकदम सिंपल है, ठीक है। इसमें बी माइनर हम प्ले करेंगे, फिर जी मेजर, फिर डी मेजर, फिर ए मेजर, ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसको तिलंगियों से, ठीक है। इसके कॉर्ड बिल्कुल सिंपल है, तो आप पकड़ ही लोगे, है ना। बी माइनर नॉर्मल कॉर्ड है ये, बी माइनर हर मतलब बॉलीवुड सॉन्ग में ज़्यादातर यूज होता है बी माइनर। फिर उसके बाद जी मेजर आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, ओपन भी पकड़ सकते हो, चाहे आप बार में पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा ये। फिर उसके बाद डी मेजर, डी मेजर, फिर उसके बाद ए मेजर, और इसका स्ट्रमिंग भी बहुत सिंपल है, डाउन अप इस तरह से इसका स्ट्रमिंग, ठीक
इसमें स्ट्रमिंग के दौरान में जब आप इसमें इंट्रो ख़त्म करने के बाद स्ट्रमिंग जब शुरू होता है तो बीच में एक छोटा सा लीड भी आता है कुछ, वो इस प्रकार से। ये तो मैंने स्लो में बताया था, तो इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको हमने किस तरह से बजाया है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले जो ई स्ट्रिंग को हमने 10th फ्रेट को प्ले करना है इस ई स्ट्रिंग में, फिर उसके बाद 9th फ्रेट में, फिर उसके बाद 7th फ्रेट में, ठीक है ऐसे। फिर उसके बाद बी स्ट्रिंग में 10th फ्रेट प्ले करना है, ठीक है, बी स्ट्रिंग में 10th फ्रेट प्ले करना है। फिर उसके बाद हमने प्ले करना है 8th फ्रेट, ठीक है, बी स्ट्रिंग में 8th फ्रेट प्ले करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो गए, ठीक है, 10, 9, 7, फिर उसके बाद बी स्ट्रिंग 10 और 8th फ्रेट, ठीक है, इस तरह से। एक बार फिर देखना स्लो में, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे बजाया, देखो पहला तो मतलब पहले पार्ट की तरह ही है सेम, 9th फ्रेट 9th फ्रेट देन 7, ठीक है, ई स्ट्रिंग में ही बज रहा है पहले, सेम वैसे ही जैसा हमने पहले बजाया था। तो इसका देखना थोड़ा स्लो में दिखाता हूँ आपको, ये 10, 9 और 7, ठीक है। बट इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने फिर से 9 को ले लिया है, 9 फ्लैट, ठीक है, ऐसे ई स्ट्रिंग में 9 फ्लैट लिया हमने, ठीक है। फिर हमने लिया 10th फ्रेट ऑन बी स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर देखना, ठीक है, कुछ ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। तो एक बार एक साथ प्ले करते हैं इनको कुछ ऐसे, ठीक है। अब बारी इसकी थर्ड पार्ट की, फिर ये कुछ ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हमने कैसे प्ले किया, ये भी ई स्ट्रिंग में ही प्ले हो रहा है, तो इसको हमने कैसे प्ले करना है, 9th फ्रेट ऑन ई स्ट्रिंग, फिर 10 से सीधा स्लाइड करके 12th में जाना है, ठीक है, फिर एक बार फिर से 12th फ्रेट को प्ले करना है, नाइन टेन स्लाइड और 12, फिर से इसको प्ले करना है 12th को, मतलब एक तो हमने स्लाइड डाउन किया, फिर एक बार इसको प्ले किया, एक और बार इसको फिर हमने 12th फ्रेट में प्ले करना है सेम ई स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसा आएगा, ठीक है, मतलब लगातार इसको दो बार हमने प्ले करना है ऐसे, 10 से स्लाइड डाउन करके 12th में जब आओगे
फिर इसको दो बार प्ले करना है लगातार, तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब नाइन्थ नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, बट नाइन्थ अगर आप लोगे नाइन्थ फ्रेट तो ज़्यादा बेटर साउंड करेगा ये, नहीं तो ऐसे। फिर उसके बाद नाइन्थ फ्रेट ऑन ई स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर सॉरी, ठीक है, एक बार स्लो में दिखाता हूँ आपको, मतलब जो अभी मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था, जो अभी मैंने आपको बताया था नाइन्थ फ्रेट वाला, स्लो में दिखाता हूँ मैं। अब जो हमारी इंट्रो में जो एंडिंग था वही स्लाइड, मतलब नाइन से जो हम सेवन में गए थे स्लाइड करके, सॉरी टेंथ इलेवन में गए थे हम स्लाइड करके, दोबारा सेम वही आपको रिपीट करना है। नाइन्थ फ्रेट से इलेवेंथ फ्रेट स्लाइड करके, ठीक है, जी स्ट्रिंग में ये थर्ड स्ट्रिंग, नाइन्थ टू इलेवेंथ स्लाइड डाउन, फिर उसके बाद टेंथ फ्रेट ऑन ई स्ट्रिंग, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग, इस तरह से। फिर उसके बाद सेम वैसे ही 11 स्लाइड अप 9, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 9th फ्रेट, ठीक है, फिर से 9 से स्लाइड अप करके 7 में जाना है, फिर ई स्ट्रिंग में 7th फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग ऑन 7th फ्रेट, ठीक है, तो कुछ ऐसा साउंड कर गया है। शुरू से बताता हूँ उसका, ठीक है, और बाकी इसके और आपको फिंगर स्टाइल में चाहिए तो मैं आपको फिंगर स्टाइल में भी इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के डाल दूंगा, उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा हार्ड में चाहिए, मतलब थोड़ा सा टफ चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा, वो अरेंजमेंट्स, फिंगर स्टाइल अरेंजमेंट्स। अगर आपको गिटार अगर फिंगर स्टाइल अरेंजमेंट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको फिंगर स्टाइल के भी ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। बाकी ये मैंने थोड़ा सा सिंपल मैंने बजाया था इसको, मतलब एकदम ईजीएस्ट वे में, और इसके कॉर्ड भी मैंने आपको बता दिए, कॉर्ड में कन्फ्यूज़ नहीं होना, वही बी का इसमें एक सर्कल रहेगा, बी माइनर, जी मेजर, डी मेजर और ए मेजर नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, बस वही इसमें, और इसके स्ट्रमिंग भी एकदम सिंपल है। और अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको फिंगर स्टाइल अरेंजमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, चाहे वो हिंदी गाने चाहे इंग्लिश गाने हो। तो आज के लिए बस इतना ही।